हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल टेक्निक से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइपिकल एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये टाइपिकल एमसीक्यूज क्या होता है कि यहाँ से हम 20 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि ये जियोग्राफिकल टेक्निक से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को जो भी प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो के बीच में हम जो क्वेश्चन आस्क करेंगे उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आगे जो टॉपिक से वहां पर हमें क्या वीडियोस बनानी है, खास करके इस एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए मैप ऑफ RF 1:2500 इज एनलार्ज बाय 2.5 टाइम्स, व्हाट विल बी द स्केल ऑफ द एनलार्ज मैप। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कोई मैप है जिसका RF है 1:2500 और इसको बड़ा किया गया है 2.5 टाइम्स तक, तो इसका नया स्केल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जब हम मैप को बड़ा करते तो क्या होता है। मान लीजिए ये छोटा एक मैप था, अब इनको आपने इतना बड़ा कर दिया, अब इससे क्या होगा, जो दो प्लेसेस है, मान लीजिए जो जेरोक्स होते हैं, जो हम जेरोक्स करते या जूम करते, कोई इमेज को जूम करते, तो ए और बी के बीच जो ग्राउंड डिस्टेंस था, यहाँ पर भी ए और बी के जो ग्राउंड डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि प्लेस तो दोनों सेम है ना, आज के दोनों एक ही सरफेस पे लोकेटेड है, आज तो ही लोकेटेड है, तो प्लेस का भी बीच में जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ जाता, मैप डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता। अब हमारे स्केल का क्या फॉर्मूला है, मैप डिस्टेंस इज टू ग्राउंड डिस्टेंस। तो पहले वाले केस में देखिए, इस मैप में जब मैप को एनलार्ज नहीं किया गया था तब 1 सेंटीमीटर मैप दिखा रहा था 2500 ग्राउंड को, ठीक है, 2500 ग्राउंड को दिखा रहा था। अब जब इसको एनलार्ज कर दिया तो जो 1 सेंटीमीटर है उसको 2.5 गुना एनलार्ज किया गया, तो जो पहले 1 सेंटीमीटर दिखाता था वो अब 2.5 सेंटीमीटर वही सेम डिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है, 2.5, और इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर हमारा दिखाता है 2500 किलोमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 2500 बाई 2.5। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, और 25 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इसका स्केल होगा RF 1:1000, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द सैटेलाइट इमेज शोन इन द टेलीविजन क्लियरली डिफ्लिप्स। जो सैटेलाइट इमेज अगर टेलीविजन में देखते या आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखते तो उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, टेम्परेचर और रेनफॉल दिखाया जाता है, प्रेशर और विंड दिखाया जाता है, क्लाउड और स्नो कवर दिखाया जाता है, और ह्यूमिडिटी और फॉग दिखाया जाता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्लाउड्स और स्नो कवर को दिखाया जा सकता है सैटेलाइट इमेज में, क्योंकि सैटेलाइट इमेज में हम क्या दिखाता है, जनरली ग्राउंड लेवल डेटा दिखाता है। अब कहीं पर स्नो कवर है तो उसकी ग्राउंड लेवल डेटा कुछ अलग होता है, जैसे आपके पास अगर गूगल और इमेज हो उनको अगर आप जूम करेंगे तो वहां पर ह्यूमिडिटी और फॉग आप नहीं देख पाएंगे, प्रेशर और विंड भी नहीं देख पाएंगे, और टेम्परेचर और रेनफॉल भी नहीं दिख पाएंगे, वहां पर आपको क्लाउड भी दिखेगा और स्नो कवर भी दिखेगा। क्लाउड थोड़ा सा दिखेगा कैसे, वहां पर अगर क्लाउड कवर है तो उसका पिक्चर सही तरह से नहीं आता, तो इसी से हमें क्लाउड्स के आइडिया मिलते हैं, और स्नो कवर जो लैंग्वेज पैटर्न है वहां से हमें आइडिया मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑडियो रैंक 17 इन ए क्लास फ्रॉम द 31, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 31 में से 17 रैंक, मतलब पहले इनके पहले 16 था, ठीक है, वो है 17 नंबर पे, अब पीछे कितना रहेगा, 17 नंबर पे वो है तो 17, और इधर आएगा 14, ठीक है, तो 17 और 14, तो लास्ट से अगर आप रैंक को कैलकुलेट करेंगे तो रैंक आ जाएगा इधर 14 है और ये 15 हो जाएगा, ठीक है, इससे पहले 16 था, बीच में 17 नंबर में वो आया, और इसके बाद और 14 है, टोटल मिलाकर 31, तो बीच में जो कैंडिडेट है उनका लास्ट से अगर रैंक कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 14 लोग, और उसके बाद वो खुद आएगा तो उनका रैंक होगा 15, ओके 15। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन ऑन ए मैप विथ RF 1:50,000 आर मेजर्ड एज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर एक चीज है कि 1:50,000 आर मेजर्ड 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब जो मैप है वहां पर 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है, एरिया जो है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर था। व्हाट विल बी द बेसिन एरिया ऑफ मैप व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू RF 1:1000 RF में अगर इसको रिड्यूस किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जनरली जब एरिया होते हैं ना तो एरिया स्क्वायर वैल्यूज में होते हैं, जैसे मान लो अगर एक नॉर्मल मैप है, ठीक है, ये बड़ा छोटा बड़ा सा, और दूसरा एक मैप है ये छोटा सा, तो हमारे यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है नॉर्मल मैप पे और इधर भी 1 सेंटीमीटर है तो ये एरिया बनता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छे से समझो इस चीजों को। अब जब मैप को हम एनलार्ज करें तो ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 2 टाइम एनलार्ज किया गया,
तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। तब इनके एरिया क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 4 cm स्क्वायर या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर वैल्यूज में एनलार्ज होते रहते। तो यहां पर देखो 50,000 जो था वो बढ़ के 200 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। जो 50,000 था ना वो बढ़ के क्या हो गया यहां पर 10000, मतलब यहां पर दुगुना बड़ा है। जो आरएफ था वो दुगुना रिड्यूस हो चुका है। तो इसकी जो बेसिक एरिया है ये 4 गुना रिड्यूस हो जाएगा। आरएफ दुगुना रिड्यूस हो गया मतलब जो पहले हम 1 सेंटीमीटर से 50,000 किलोमीटर दिखा रहे थे वो अभी 1 सेंटीमीटर से हम 100,000 किलोमीटर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी कितना लिनियर स्केल में हमारा कितना बड़ा है, 2 गुना। कितना इलाज हुआ है, सॉरी कितना रिडक्शन हुआ है, 2 गुना रिडक्शन हुआ है। क्योंकि जहां पर हम 50,000 किलोमीटर दिखा रहे हैं वही सेम अमाउंट पे हम 100,000 किलोमीटर हम दिखा रहे हैं। तो 2 गुना रिडक्शन हुआ है, इनको यहां से डिवाइड करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 2 गुना रिड्यूस हुआ है तो एरिया क्या होगा, 4 गुना रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इधर भी 2 गुना और इधर भी 2 गुना, जो 2 सेंटीमीटर था वो अगर 2 गुना रिड्यूस होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है। और इधर, ठीक है, इधर अगर 2 सेंटीमीटर दुगुना रिड्यूस होता है तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जो टोटल एरिया है जो पहले 4 हुआ करता था वो अभी बन गया हमारा 1। तो पहले जो 200 हुआ करता था वो अभी बन जाएगा 200/4 इक्वल टू 50 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये हमारा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ टोपोग्राफिक मैप लाइंस दैट इंडिकेट वाटर डेप्थ आर स्टार्मेड। तो जो वाटर डेप्थ को दिखाते हैं उसको बोलते हैं आइसोबाथ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आइसो नेप किसको दिखाता है। और दूसरा जो चीज है आइसो डेपेन, ठीक है, एक और चीज है आइसो डेपेन, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइसो डेपेन, ठीक है, आइसो डेपेन में क्या दिखाता है और आइसो मैप में क्या दिखाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी आइसो बात है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड कलर और लैंड यूज फीचर, कौन से लैंड यूज फीचर के लिए हम कौन से कलर यूज करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, फॉरेस्ट एरिया के लिए हम डार्क ग्रीन यूज करते हैं, ठीक है। कल्टिवेटेड एरियाज के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कल्टिवेटेड एरियाज के लिए आप ब्राउन इस्तेमाल करेंगे, अनकल्टिवेटेड के लिए येलो इस्तेमाल करेंगे, और जो बिल्टअप एरिया है उसके लिए रेड इस्तेमाल करेंगे। अब देखना है यहाँ पर वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो बी जो है, सेकंड जो है, सेकंड वाला सी पे आएगा। तो सेकंड वाला सी पे ये एक है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा रेड है वो बिल्टअप एरिया, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो बी पे होगा। तो फर्स्ट वाला बी पे कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए पॉइंट ए इज 230 मीटर डेप्थ और बी जो है 570। हाँ, यहाँ पर क्या पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया गया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखाता है। मतलब एक प्लेस है जिसका हाइट होता है 230 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, दूसरा एक प्लेस है जिसका होता है बी 570 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है हमारा वो रहा 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इनकी ग्रेडियंट क्या है। तो ग्रेडियंट जो हम निकालते हैं वो क्या है कि d by r, ये होता है ग्रेडियंट। और अगर आपको इसको एंगल में निकालना है तो tan inverse d by r करेंगे तो यहाँ से स्लोप निकलेगा। अब देखो यहाँ पर जो d by r होता है वो हम लिखते हैं ऐसे 1:d/r, मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जाने से या 1 यूनिट डिस्टेंस जाने से स्लोप का जो चेंजेस होता है उनको ग्रेडियंट बोलते हैं। अब जैसे ही ये ग्रेडियंट आ जाएगा तो ये r by d हो जाएगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर d by r नहीं, 1:r/d होगा। r by d रिलीप के चेंज बाय डिस्टेंस के चेंजेस। ओके, तो ये जो tan इनवर्स, वन चीज है यहाँ पर, एक चीज समझो कि जो स्लोप था वो d/r था और ग्रेडियंट को सिर्फ हम एंगल में नहीं निकालते, यहाँ पर हम एंगल से निकालते इसलिए हम इनवर्स यूज करते। ग्रेडियंट को हम एंगल में नहीं निकालते इसलिए d/r लिखते। अब हम वहां पर एचसीएल में इसको जब कन्वर्ट करते तब हम इसको r:d लिखते ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो निकल के आता है 1:r/d ऐसे निकल के ये आ जाता है हमारा ग्रेडियंट। ओके, जो ग्रेडियंट आता है 1:r/d। अब ये फॉर्मूला जब ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट का ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है ये जब हम कोर्स कराएंगे तब इन डिटेल इसको बता देंगे कि जो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन कैसे स्लोप और ग्रेडियंट में फर्क होता है। फिलहाल आप इतना ही जान लो 1:r/d जो होता है वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा आर है रिलीफ का डिफरेंस, जो यहाँ पर होता है 340 मीटर। ओके, और जो डिस्टेंस होता है वो 2 किलोमीटर। अब इनको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मीटर है और इसको आपको 1:r/d, ये जो आर है डी को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो 2000। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा ग्रेडियंट निकल के आएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पहले तो 34.00 कर दो। अब यहाँ पर जो होगा इसको अगर 2 से काटोगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 17। तो 17/100,
17/100 मतलब क्या होता है, 17% होता है। कोई भी परसेंटेज हम बोलते हैं कि कोई एग्जाम में 20% मार्क्स मिला है तो उसका मतलब क्या है, उनको 100 में से 20 मार्क्स मिला है। तो 17/100 मतलब यहाँ पर ग्रेडियंट होता है 17%। यहाँ पर परसेंटेज में निकाला गया है, अगर रेशियो में निकलते तो यह क्या होता है 1:0.17। ठीक है, तब इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 17%। क्वेश्चन नंबर 8 ये सैटेलाइट की मैचिंग है, तो यहाँ पर मैं बता दूं जो इंसर्ट है वो इंडिया के है, ठीक है, स्पॉट जो है फ्रांस का है, और इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो डी जो है वो 1 में आ जाएगा, यहाँ पर डी 1 में आ गया, ठीक है, और जो आपका स्पॉट है बी ए जो वो 2 पे आ जाएगा, तो डी 1 पे आ गया और ए 2 पे आ गया, तो ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वो मैं स्केल और कॉन्टिनेंट इंटरवल बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जितना आप सीट को बड़ा करेंगे कॉन्टिनेंट इंटरवल भी उतना बड़ा होगा। तो मिलियन सीट का 500, उसके बाद जो इंच का सीट है वो हो जाएगा 250, जो वन जो हाफ इंच सीट है वो हो जाएगा 100, और जो क्वार्टर इंच सीट है वो हो जाएगा 50। ये होता है कॉन्टिनेंट इंटरवल। अब नेक्स्ट है क्लिनोमीटर, पेंटोग्राफ और कौन सी चीजें किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं मैच करवा देता हूँ, जो बैरोमीटर है वो हो जाएगा एयर प्रेशर आपको पता ही है, ठीक है, जो क्लिनोमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया, अब जो एलिनोमीटर है वो हो जाएगा एलिवेशन ऑफ लैंड सर्फेस, और जो पेंटोग्राफ है वो हो जाएगा मैप्स एनलार्जमेंट और रिडक्शन, ठीक है, ये ग्राफ है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट है। आपको बताना है रोटामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है, रोटामीटर से क्या मेजर करते हैं, हम कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ओके, रोटामीटर और दूसरा एक होता है साइक्रोमीटर, इन दोनों से हम क्या मेजर करते हैं, रोटामीटर और साइक्रोमीटर से, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जियोमेट्रिक मीन, यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन पूछा गया, तो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, यहाँ पर आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन में हम जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं कि किसी के नंबर जितने भी जो भी नंबर है यहाँ पर सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 100 जितने भी नंबर है डॉट डॉट सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना नंबर है उनका रूप लेंगे, मतलब n, अगर n नंबर है तो n रूप लेंगे, जैसे आप मानो 3 × 9 × 27 इन तीनों का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इनको हम रूट करेंगे और इनका क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, और अगर 4 और 9 इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, दो नंबर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, वैसे ही यहाँ पर 3 × 9 × 27 × 81 यहाँ पर 4 नंबर है तो यहाँ पर हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 4 लेंगे। अगर यहाँ पर कहीं भी 0 आ गया तो जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो 0 होता है और 0 का रूट भी 0 होता है, मतलब हमारा यहाँ पर क्योंकि 0 है तो ये सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगा वो 0 और ज्योमेट्रिक मीन का जो रूट होगा वो 0 का रूट 0 होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एरियल फोटो स्केल अगर फैट टेल डिपेंड्स ऑन, तो एरियल फोटो का स्केल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, फोकल लेंथ पर एरियल फोटो का स्केल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 द कॉन्टूर्स व्हिच रिप्रेजेंट द कॉन्वेक्स लुक, अच्छा कॉन्वेक्स लुक क्या होता है कि जिसका फुट वॉल ऐसा उनका सेट ऐसा होता है, मतलब जो फुट वॉल से यहाँ बहुत ज्यादा स्टीप होता है और जो आपका एपेक्स में जाओगे तब वो क्या होता है वो थोड़ा सा जेंटल स्लोप होता है, तो जो स्टीप स्लोप होता है वहां पर कंटूर बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है, यहाँ पर ऐसे क्लोजली रहते हैं, और जो अटैक्स होता है वहां पर थोड़ा सा कंटूर दूर दूर से ऐसे रहते हैं, तो जो जहां पर दूर पे रहेगा वहां पर स्लोप कम होगा और जहां पर क्लोज होगा वहां पर स्लोप ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फुट जहां पर है नीचे वहां पर कॉन्वेक्स स्लोप में एक दूसरे के करीब है क्लोज टूगेदर, और जो टॉप है वहां पर एक दूसरे से दूर पे ये कंट्रोल होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो बोलते हैं द क्लोजनेस ऑफ कॉन्टेक्ट इंडिकेट्स स्टीपनेस ऑफ स्लोप, अच्छा यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है दोनों ही सही है, बोथ ए एंड द करेक्ट, अगर ये एक्सप्लेनेशन बोलता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या बी ए को एक्सप्लेन करता है या नहीं बोलते, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है कि ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन बी ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 अरिंग द फॉलोइंग मैप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत इजी है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें सबसे बड़ा मैप जो आता है डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब स्केल जहां पर लार्ज स्केल मैप है, लार्ज स्केल मैप मतलब मोर डिटेल्स, और स्मॉल स्केल मैप मतलब लेस डिटेल्स, ओके यहाँ पर किसके हिसाब से पूछा गया था ऑर्डर ऑफ स्केल, स्केल के हिसाब से सबसे बड़ा जो लार्ज स्केल मैप है वो है कैडेस्ट्रल मैप, तो 2 हमारा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप 3, उसके बाद वर्ल्ड मैप जो है 4, और उसके बाद एटलास मैप जो होगा वो होगा 1, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। कैडेस्ट्रल मैप का आरएफ होता है 1:4000 जनरली,
और जो हमारे यहाँ का कैडेस्ट्रल मैप है जिसको हम मोजा मैप भी बोलते हैं, उनका जो होता है 16 इंच टू 1 माइल। और ये इंच में क्यों हुआ, क्योंकि जो जो हमारे जो लैंड की मेजरमेंट है वो ब्रिटिशर्स जो थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने ये मेजरमेंट चालू किया था। इसीलिए ये कैडेस्ट्रल मैप जो होते हैं, जो भी लैंड का काम होता है, वो सारे के सारे ज्यादातर एफपीएस सिस्टम में ही होते हैं। ठीक है, तो 16 इंच टू 1 माइल हमारे एफपीएस सिस्टम में हमारे कैडेस्ट्रल मैप का आरएफ होता है इंडिया में, खास करके इंडिया में। आपको बताना है टॉपोग्राफिकल मैप जिनके कॉन्टिनेंटल बेल्ट 20 मीटर है उनकी आरएफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये डॉट मैप द वैल्यू ऑफ डॉट्स जनरली वेरी। और दूसरा है डॉट मैप इज यूजली यूज टू शो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेनन सच एज रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो डॉट मैप द वैल्यू ऑफ डॉट्स जनरली वेरी, ये टोटली रॉन्ग है। डॉट मैप में ईच एंड एवरी डॉट का वैल्यू सेम होता है। मान लीजिए कहीं पर 5 डॉट है तो वहां पर 5 कोई क्वांटिटी 5, मान लीजिए पॉपुलेशन है तो कहीं पर 100 डॉट है मतलब वहां पर 100 लोग रहे थे, कहीं पर 200 डॉट है तो वहां पर 200 लोग रहे थे। ठीक है, लेकिन ईच एंड एवरी डॉट का वैल्यू एक मैप पे एक ही होता है, ये वैल्यू जब डॉट को वैरी नहीं करता है। तो ओनली बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय क्लोज सर्कुलर कॉन्टूर्स डिक्रीज विथ हाइट टुवर्ड सेंटर। तो देखो सेंटर जो है वहां पर हाइट कम है, जो ऊपर है वहां पर हाइट ज्यादा है, तो यह क्या होगा पैटर्न लेक जैसा होगा, लेक जैसा कुछ होगा, इसीलिए सेंटर के हाइट कम होगा और जो ऊपर वाला साइड वाला पोर्शन है वहां पर हाइट ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पैटर्न लेक। ठीक है, और सर्कुलर है, अगर वैली होता है ग्लेशियल वैली क्या होता है यू शेप वैली होते हैं, यहाँ पर सर्कुलर बोल दिया गया है इसलिए ग्लेशियल वैली नहीं होगा। और रिवर वैली अगर होता तो रिवर वैली में क्या होगा हाइट डिक्रीज होता है लेकिन सेंटर में स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा और साइड में स्लोप बहुत जेंटल हो जाएगा। और जो ग्लेशियल वैली होता है वहां पर सेंटर में जो स्लोप होगा वो जेंटल हो जाएगा और सर्कुलर नहीं होगा, वो कुछ ऐसे ऐसे शेप लेगा कंट्रोल। ठीक है, ऐसे ऐसे शेप लेगा और जो लेक होता है वहां पर सर्कुलर कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है। तो इसका आंसर है देखो ऑप्शन 3 टोपोग्राफिकल मैप। फ्लो एनालिसिस मॉडल नहीं, ये फ्लो एनालिसिस मॉडल प्लानिंग रीजन को दिखाता है। प्लानिंग रीजन जो है ये फ्लो एनालिसिस मॉडल से हम निकालते हैं। एनडीबीआई का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एनडीबीआई और दूसरा मैं दे रहा हूँ टीबीआई। और एक चीज है, एनडीबीआई का वैल्यू अगर 1.0 है तो वो क्या दिखाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है। एरिथमेटिक मीन, मेडियन, मोड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है। जो मेन डेविएशन है ये डिस्पर्शन का मेजरमेंट है। डिस्पर्शन का 2 टाइप्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा होता है रिलेटिव डिस्पर्शन। मीन डेविएशन, सेंट्रल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हम निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, जो भी निकालते हैं, सारे के सारे जो है वो हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। और रिलेटिव मेजरमेंट में आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन जिसको हम सीडी बोलते हैं, और दूसरा आता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन को जो हम कोएफिशिएंट निकालते हैं Q3 - Q1 / Q2 - Q3 - Q4, ये जो फॉर्मूला द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो वो जो निकालते हैं वो भी हमारा रिलेटिव मेजरमेंट है, ठीक है, डिस्पर्शन का। और सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो एरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। एरिथमेटिक मीन को हम बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, और जो मीडियन है उनको हम बोलते हैं पर्सनल एवरेज। आपको यह बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर एक पर्टिकुलर डायग्राम से जहां पर हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उस डायग्राम का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सल सैटेलाइट IRS-P4 इज ऑल्सो नोन एज। तो IRS-P4 जो है उसका नाम है कार्टोसैट। ठीक है, यहाँ पर नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसका आंसर है IRS-P4 को हम बोलते हैं कार्टोसैट। ठीक है, और कार्टोसैट को हम ओशन सैट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था POK में, ठीक है, वहां पर इस इमेज को कार्टोसैट इमेज में हमारे इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा मदद पहुंचाया था। ये कार्टोसैट इमेज से वो लोकेटेड किया गया है, हालांकि कार्टोसैट इमेज से नहीं तो और भी टेक्निक्स थे, ठीक है, लेकिन कार्टोसैट जो इमेज था वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ वहां पर। क्वेश्चन नंबर 20, एन ओरिजिनल मैप हैज द आरएफ 1:50,000 और इसको न्यू भी ड्रॉप किया गया जहां पर आरएफ हो गया 1:25,000, मतलब पहले 1 सेंटीमीटर में हम दिखा रहे थे 50,000 सेंटीमीटर को, अब 1 सेंटीमीटर में हम दिखा रहे हैं 250,000 सेंटीमीटर को।
ठीक है, हम ऐसे दिखा रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि पहले हम 1 सेंटीमीटर में जितने डिस्टेंस दिखा रहे हैं, अब उनसे हम 5 गुना ज्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं। मतलब पहले अगर बड़ा मैप होता तो 1 सेंटीमीटर में हम कम डिस्टेंस दिखाते, और अगर छोटा मैप है तो 1 सेंटीमीटर में हम ज्यादा डिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैप को रिड्यूस कर दिया गया। कितने टाइम, तो देखो पहले जो 50,000 था उसको वही 1 सेंटीमीटर में हम 250,000 एरिया दिखा रहे, तो 250,000 एरिया नहीं 250,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखा रहे, तो जो 1/5 टाइम इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी यहाँ पर टॉपिक के डाउट्स है तो इनको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे और इन सभी को एनालाइज करेंगे। फिलहाल आपका जो स्कोर हुआ वो भी कमेंट कीजिए, अगर आपने स्कोर काउंट किया है तो। बाय बाय, थैंक यू टू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।